गाइस वेलकम टू माय वर्चुअल रेसिपी चैनल। आज हम आलू के रस्सा वाली सब्जी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम डाल रहे हैं कढ़ाई, हमने ऑलरेडी रख दिया है। तो इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल आप इसमें डाल सकते हो। अभी जैसे हमें तेल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून जितनी राई, सरसों। अभी हम सरसों को अच्छी तरह से क्रैकल होने देते हैं। अभी सरसों या राई क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है तो एक डालते हैं छोटा तेज पत्ता, साथ में डालते हैं कटा हुआ प्याज। मैंने बड़ा साइज का प्याज दिया था। इसके साथ डालते हैं 5-6 लहसुन और 2 टेबलस्पून जितनी मूंगफली। अभी इसे हम चला लेते हैं। इसके साथ डाल देते हैं नमक। ताकि जो हमारा प्याज है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, स्वाद अनुसार नमक, इसे भी हम चला लेते हैं। अभी वापस इसे हम चला लेते हैं। अभी इसमें डालते हैं 1 मीडियम साइज का टमाटर। अभी इसे हमने अच्छी तरह से चला लिया है तो अभी इसे हम होने देते हैं। अभी इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। ऑलरेडी हमने नमक डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी, 1/4 जितना हींग, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितनी धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर। तीखा जैसे भी आप खाना पसंद करते हो आपके हिसाब से डाल सकते हो। अभी इसे हम चला लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा और इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। अभी कुछ सेकंड इस तरह से हम चलाते हुए सूखे मसाले को पकाएंगे। हर बार स्पाइसी खाना जरूरी नहीं होता है, तो इस तरह से भी आप लाइट बना सकते हो तो वो भी टेस्टी बनता है। ये देखिए, अभी देखिए मसाले की प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैंने 300 और भी रिलीज हो रहा है तो मैंने 300 ग्राम जितने आलू लिए थे और इसका ऊपर का कवर निकाल के इस तरह से मैंने पीस बना दिया। चाहे तो आप कवर के साथ भी बना सकते हो, एक्चुअल कवर के साथ ही बनाना होता है और मेरे घर में पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। क्योंकि खाते वक्त वो हर बार कवर निकालना पड़ता है इसलिए मैं ये सब निकाल देती हूँ और इसे हम चला लेते हैं। अच्छी तरह से हम आलू को मसाले से कोट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कोट कर दिया है। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी। वापस इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए और इसे आधा मिनट तक इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम इसे करते हैं कुकर में शिफ्ट। अभी देखिए इस तरह से ये हो गया, इसे हम चला लेते हैं और अभी इसे हम करते हैं कुकर में शिफ्ट। ये देखिए इसे हमने कुकर में शिफ्ट कर दिया है। तो हमने कढ़ाई में पानी लिया है तो वो डाल देते हैं ताकि जो मसाला है वो भी पूरा इसमें यूज हो जाए। अभी इस तरह से पानी डाल दिया है, इसे वापस चला लेते हैं। इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे और वापस चलते हैं गैस की तरफ। अभी इसे हम कवर नहीं करेंगे, इसे 1-2 उबाल आने देंगे तब इसे हम कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कुकर को रख दिया है। अगर हम डायरेक्ट इसे
उसको ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं तो ये पानी ही ऊपर आने के चांसेस होते हैं, तो इसको एक दो उबाल आप आने दीजिए, उसके बाद ढक्कन लगाइए, तो ये दो सीटी या ज़्यादा से ज़्यादा तीन सीटी में अच्छी तरह से आपकी सब्जी हो जाएगी। तो अभी इसे हम उबाल आने देते हैं। ये देखिए अभी इसे उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसे हम चला लेते हैं। आप इस तरह से चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि आलू में कितना पानी डालना है। ये देखें अभी अच्छी तरह से हमने इसे चला लिया है, तो अब यह इसे लगाते हैं और गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे दो से तीन सीटी में इस तरह से बना देंगे और ठंडा हो जाने के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगी। अभी कुकर हमारा ठंडा हो गया है तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका लुक देखिए कितना प्यारा है। अभी इसे हम चला रहे हैं, एकदम परफेक्ट बनी है। आप इस तरह से भी इसे खा सकते हो, पर मैं इसे थोड़ा सा मैश कर देती हूँ तो और भी बढ़िया सा टेस्ट आएगा। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। ये देखिए तो जो हमारा रस्सा जो है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा और खाने में और भी मज़ा आएगा। बस अभी इसे हम एक बार चला लेते हैं। ये देखिए अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपको पीस वाला भी चाहिए तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। इसे आप चावल के साथ, पराठा, रोटी, भाकरी जो भी पसंद है ना आप उसके हिसाब से खा सकते हैं। अभी इसे हम करते हैं बाउल में शिफ्ट। ये देखिए ये देखिए इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से भी बना के देखें, बड़ी यम्मी लगती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर रिस्पॉन्स जरूर दीजिए तो हमें भी पता चलता है कि हमने किस तरह से बनाया। अगर किसी का रिस्पॉन्स आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है, इससे और खुशी कुछ भी नहीं होती कि नहीं भाई किसी को हमने जो बनाया है वो ज़रूर पसंद आया है। तो आप इस तरह से बना के देखिए, या आप किस तरह से बना रहे हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए तो हम इसी तरह से भी बनाएंगे। तो ये मैंने बनाई है सब्जी, तो इस तरह से बनाएं या आप किस तरह से बना रहे हैं वो भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।